بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين तमाम कसम दी हमदो सना बड़ाई और किबरियाई दे लायक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन मलिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम दी ज़ात मुबारका है और अनगिनत ला तादाद बेशुमार बेहद्दो बेहिसाब दुरूद व सलाम दे लायक सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हादी आज़म मुर्शिद आज़म रहबर आज़म इमाम आज़म और कुल कायनात दे कायदे आज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात मुबारक मुनज़्ज़ा मुबर्रा है निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ भाइयों और मेरी आवाज़ नूं सुनन वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओं और बहनों खालिक़े कायनात ने बनीनो इंसानियत की हिदायत रहनुमाई वास्ते इस कायनात के अंदर हिदायत का सब तो बड़ा सर चश्मा और हिदायत का सब तो बड़ा जरिया जो अता फरमाया वो कुरान करीम है। दुनिया के अंदर एक बात बड़ी आसानी दे नाल समझी जा सकती कि दुनिया के अंदर कोई भी कारखाना कोई फैक्ट्री और कोई कंपनी प्रोडक्शन कंपनी अपनी कोई भी चीज़ ईजाद करे कोई भी मशीन तैयार करे तो उस मशीन नू जदों मार्केट के अंदर भेजा जाता है और इस्तेमाल कुनिंदगान तक जदों उन्हें पहुँचाया जाता है तो उस मशीन के नाल हिदायत की एक किताब वो भी जारी की जाती। फर्ज किया कोई बंदा मोबाइल खरीदता है तो मोबाइल एक डब्बे के अंदर पैक किया गया है और उस डब्बे के अंदर एक किताब जिदे अंदर मोबाइल के मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज ने वो किताब उस डब्बे के अंदर नाल भेजी गई। अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल खरीदता है तो उदे नाल भी किताब, अगर कोई शख्स कोई मशीन खरीदे कोई फ्रिज खरीदे कोई भी इस्तेमाल की चीज़ है ना तो जिस कंपनी ने उन्हें बनाया है उन्हें उदे इस्तेमाल के तरीके दियाँ हिदायत ते मुश्तमिल एक किताब उस मशीन दे नाल जारी की थी कि इस मशीन ने चलना किवें इस किताब के अंदर लिखे ये फवायद की ने इहदा इस्तेमाल का तरीका क्या है और ये खराब किस तरह होएगी और अगर खराब हो जाए तो इहदी सलाह किवें की जा सकती है इहनूं दुरुस्त किवें किया जा सकता है। तमाम तर हिदायत उस मशीन दे नाल आन वाली किताब दे अंदर दर्ज ने। तो अजीज़ा ने गिरामी एक मशीन खालिक कायनात ने भी तैयार की थी और ऐसा अजीम शाहकार अल्लाह कहंदे मैं जिन्निया शैवां बनाईया ने ना जितनिया मेरिया तखलीकात ने ऐ जमीन आसमान सूरज चंद सितारे पहाड़ हवावां फिजावां और बारिशां समंदर नदी नाले जमीन चो निकलन वाली अंगूरियां मेवे बागात फल फ्रूट सब्जियां तरकारियां और फिर जमीन ते चलन वाले हशरात नबातात और जनाब कीड़े मकौड़े चरिंद परिंद दरिंदे जितनिया मखलूकात मैं पैदा कीतियां ये सारिया मशीना दे विच्चों जड़ा सब तो आला मेरी कुदरत दा शाहकार है उस मशीन दा नाम इंसान है। मैं हजरत इंसान नू अशरफुल मखलूकात बना दिता
इहदे नालों बढ़ के कोई भी अफसल अकरम अशरफ और आला मैं दूसरा बनाए कोई नहीं। और तखलीक आदमीयत का जिक्र करदे हां, इंसान की तखलीक का जिक्र करदे हां, अल्लाह तबारक व ताला ने इनू अहसन आखिया और अहसन कहण तो पहलों कसमां चुकियां, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, चार कसमां। और पंजवीं पता केड़ी, लकद, जदों कद ते लाम आ जाए ना माना कसम दा बन जाता है। अल्लाह कहंदे ने मैनू तीन यानी इंजीर दी कसम है, मैनू जैतून दी कसम है, मैनू तूर पहाड़ दी कसम है, मैनू अमन वाले शहर मक्के दी कसम है, और मैनू अपनी जात दी कसम है। खलक नल इंसान फी अहसन अहसन तकवीम, इस तो बद के मैं तकवीम और तखलीक, और इस तो बद के मैं हुसन व जमाल दा पैकर ते अपनी कुदरत दी अजमत दा शाहकार किसे दूजे नू बनाया ही कोई नहीं। सब तो आला शाहकार इंसान, और हर इंसान दे नाल इंसान दी रहनुमाई वास्ते इंसान दी हिदायत वास्ते जदों ये मशीनरी जमीन ते कली ना तो खालिक कायनात ने इहदे नाल एक किताब भी कली, एक किताब। ये 1.25 लाख नबियां तो बाद जमीन ते आई है, लेकिन अल्लाह दे कोल इंसान बनन तो पहलों दी महफूज है। सुबहान अल्लाह, इंसान अजे बनया नहीं, इंसान बनन तो पहलों दी महफूज, लौहे महफूज दे। और जदों फरिश्तियां ने अल्लाह तबारक व ताला दी जुबान विचों कुरान सुनिया ना, फरिश्तियां ने रब दी जुबान चो कुरान सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन व आसमान नू पैदा करन तो 1000 साल पहलो, 1000 साल पहलो। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक दी सूरह यासीन दी तिलावत फरमा रहे सन, अल्लाह तिलावत फरमा रहे सन, अजे जमीन भी नहीं बनी ते आसमान भी नहीं बने, इंसान भी नहीं बने, दरिंद चरिंद परिंद भी नहीं बने, अल्लाह कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे ने। सुबहान अल्लाह। तो जदों फरिश्तियां ने सुनी ना एक कलाम तो बार बार जिक्र जो किया जा रहा है कि इनू असी नाजल किया है, इनू असी उतारे है, तो फरिश्ते कहन लगे तूबा तूबा ले उम्मतिन युनजल हाजा अलैया अलै, उस उम्मत दे बारे उस उम्मत वास्ते खुशखबरियां और मुबारक, उस उम्मत नू जड़ी उम्मत दे उत्ते इस किताब नू उतारिया जाएगा। अजे जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बने, 1000 साल पहलो फरिश्तिया ने कुरान सुनिया ते मुबारक दे रहे ने उस उम्मत नू जिस उम्मत दे उत्ते कुरान उतारिया जाएगा। और फरिश्ते कहने लगे वा तूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा, उना जुबाना वास्ते खुशखबरियां जड़ियां जुबाना इस कुरान दी तिलावत करया करनगियां, वतूबा ली अजवाफिन तहमिलु हाजा, उन्हां सीनियां वास्ते खुशखबरियां जड़े सीने इस किताब नू अपने अंदर जमा कर लेंगे। जमीन आसमान दे बनन तो 1000 साल पहलों फरिश्तियां दियां मुबारकां किन्हां वास्ते, कुरान वालियां वास्ते। सुबहान अल्लाह। तो खालिक कायनात ने इंसान बनन तो पहलों तो ये किताबे हिदायत इंसान दियाँ हिदायत इंसान ने, हाँ इंसान बनिया किवें, इहदी इब्तिदा क्या है, इर्तिका क्या है और इहदी इंतहा क्या है, इहदी तरक्की दे ज़राए की ने और इहदे ज़वाल दे असबाब की ने और इंसान दे खासे की ने, इंसान दियाँ बुरियाँ खसलतां की ने और इंसान ने चलना किवें, इंसान वास्ते अच्छा क्या है, इंसान वास्ते बुरा क्या है, कामयाबी किवें मिलेगी, नाकाम किवें होएगा, इंसान दी साबका तारीख और इंसान दे आउन वाले हालात वाकयात, पूरे दा पूरा कुरान खालिक कायनात ने इंसानी जिंदगी वास्ते हिदायत दा मजमुआ बना के हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कलबे अतहर ते नाजल फरमाया। हजरात ए मैं तकरीर करना ना पिया, खुतबा एदा एक उनवान है, हर तकरीर का कोई ना कोई टॉपिक, हर बयान का कोई ना कोई उनवान हुंदा है, ए जड़ा कुरान है ना
ये अल्लाह का बयान है। सुभान अल्लाह, कुरान अल्लाह पाक का खिताब है, कुरान अल्लाह पाक की तकरीर है, कुरान खालिके कायनात की कलाम है। कुरान खुद अल्लाह ने कहा है ये मेरा बयान है, कुरान मेरा बयान है, कुरान अल्लाह का बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, खालिके कायनात ने फरमा अल्लामाहुल, क्यों जी, अर्रहमान, अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल, ये बयान हमने किया और हमने इंसान को सिखाया। कुरान बोलो कि ये अल्लाह दा, कुरान अल्लाह दा बयान है, कुरान अल्लाह दा खिताब है, कुरान अल्लाह दी तकरीर है। और जे हर तकरीर दा कोई ना कोई मौजू ते उनवान होंदा है ते अल्लाह दी तकरीर बगैर उनवान तो वे नहीं, अल्लाह दी तकरीर दा, अल्लाह दे खिताब दा, अल्लाह तबारक व ताला दे इस बयान दा भी एक उनवान है। और कुरान पाक अल्लाह दा बयान है ते अल्लाह दे बयान दा उनवान हज़रत इंसान है। कुरान अल्लाह दी तकरीर है और इस तकरीर दा मौजू की इंसान, कुरान का उनवान है इंसान। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर इंसान दा उरूज बयान कीता है कुरान दे अंदर आमिना दे लाल दा जिक्र करके, ऐ भी इंसान है। फिर अंबिया दे किस्से बयान करके, ऐ भी इंसान ने। फिर अल्लाह ने अपने दुश्मनों दा जिक्र करके, ऐ भी इंसान ने। इंसान दियां कई कैफियतां, इंसान दे कई रूप और इंसान दे कई चेहरे बयान किए। तो कुरान अल्लाह दा बयान है, अल्लाह दे बयान दा उनवान की है, बोलो, इंसान। खलकल इंसान, पैदा करके इंसान को, अल्लामहुल बयान, ये उसका बयान है, ये उसको सिखा दिया। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला इंसान दे नाल इस मशीन दे नाल किताब उतारी। मोबाइल दे डब्बे विच एक किताब है, फ्रिजा दे पैकिंग दे अंदर एक किताब है, इन्हें चलना किवें, इहदे फायदे की ने, इहदा इस्तेमाल दा तरीका की। इंसान दे नाल जिहड़ी किताब उतारी उहदा नाम कुरान है। तो जिहड़ा इंसान इस किताब तो दूर है, बोलो वह इंसान हो सकदा? जिन्ना इलम पढ़ाया जा रहा, जिन लोग तालीम कहिंदे ने, बल्कि सिर्फ तालीम नहीं, जे बाहर दे मुल्क तुर जाण तो उहनूं कहिंदे ने आला तालीम, आला तालीम, हायर एजुकेशन, ये तालीम नहीं। जितनियां यूनिवर्सिटियां जे पढ़ाई जा रही, तालीम नहीं, फन ने, केमिस्ट्री फन ने, बायोलॉजी फन ने, फिजिक्स फन ने, अलजबरा फन ने, इमरानियात और माशियात और सियासियात, जो भी उनवान और मजामीन लिटरेचर कॉलेजेस स्कूल यूनिवर्सिटियां पढ़ाया जा रहा है, वो इलम नहीं, वो फन ने। अगर कोई इलम कहे तो आए मुझे दिखाए केमिस्ट्री में इंसानियत कहाँ है, अगर ये इलम है तो फिजिक्स में इंसानियत कहाँ है, आदाब कहाँ है, अखलाक कहाँ है, हुकूक कहाँ है। इंसानियत नहीं, अखलाकियात नहीं, अलजबरा दे अंदर इंसानियत नहीं, इमरानियात के अंदर इंसानियत नहीं, माशियात के अंदर इंसानियत नहीं, सियासियात के अंदर इंसानियत नहीं, अखलाकियात नहीं, हुकूक नहीं, आदाब नहीं। इंसानियत हकीकी तालीम अगर मिलेगी तो रब दे कुरान चो मिलेगी। तो ये सारे फनून ने, साइंसी उलूम, कंप्यूटर साइंस, सारे फनून ने इलम रब दा कुरान है। इलम होए जो इल्मे रब्बानी, और इलम होए जो खालिक कायनात ने मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजल फरमाया, ये इलम है, इल्मे रब्बानी। और इस इलम दी वजह तो देखो, कोई आम साढ़े गली महल्ले दा बच्चा उठे कुरान पढ़न लग जाए, कोई आम शख्स उस्ताद बन जाए कुरान दा, और कोई आम शख्स शागिर्द बन जाए, एक मुअल्लिम है दूसरा मुतअल्लिम है। मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोवें साढ़े वर्गे आम इंसान ऐसे गली महल्ले चो मुआशरे चो उठ के
कुरान दे नाल जुड़ते ने। अल्लाह ने अपने महबूब की जुबानी कह दिता खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमा, अब तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान को पढ़ने लग जाता है और जो कुरान को पढ़ाने लग जाता है। ये रूए ज़मीन के लोगों में से बेहतरीन बन चुके हैं। आम जिया बंदा सी शागिर्द भी ते आम जिया बंदा सी उस्ताद भी, कुरान दी वजह तो जमीन दे बेहतरीन इंसान बन गए। इन्नी अजमत, इन्नी अजमत, इतने को बड़ी अजमत ते चला जाए ना, बड़े जतन करके बड़े वैल करके वो वजीर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, किसी मुल्क का सदर ते बादशाह बन जाए। जदों किसी दूसरे मुल्क जाता है ना, उन्होंने सब तो बड़ा प्रोटोकॉल पता की मिलता है, रेड कारपेट। क्यों जी, की प्रोटोकॉल है? रेड कारपेट, एदे पैरा थले सुरख कालीन बिछाया जाए। ये कौन है? ये पूरे मुल्क का सब तो बड़ा लीडर। इस वेले सारा मुल्क एदे इशारियां ते चलदा है पिया। इस वास्ते इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, डिग्रियां लईयां, सियासत कीती, पैसा लगाया, मेहनत कीती, हुण बुढ़े बारे जाके बनिया वजीरे आजम, हुण इहदे पैरां थले रैड कारपेट बिछे है। फरमाया ये अजमत नहीं, अजमत पता की है? एक निका जिहा बच्चा अपने घरों निकलिया कुरान पढ़न वास्ते, अजे घरों पैर बार रखिया नहीं। अल्लाह कहिंदे ने फरिश्तियो उधर जिंदगी दे आखर ते मेहनत करन तो बाद रैड कारपेट बिछिया सी, ये पहले दिन चले कुरान पढ़न, छेती करो ये पैरां दे थले अपने नूरानी पर बिछा दियो। तेरे रेड कारपेट की की हैसीयत है कुरान पढ़न वाले दे सामने? फरिश्तियां दे नौरानी पर इन्हां दे पैरां थले ए जड़े बैठे ने ना, अल्लाह की कसम फरिश्ते भी रशक कर दे होणगी। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अगर इंज दा इंसान बने ना कुरान वाला, तो फरिश्तियां तो बेहतर। ये मैं अगे दसना, फरिश्तियां तो बेहतर, फरिश्तियां दा सरदार जिबरील है, ते फिर अल्लाह जिबरील दे बराबर खड़ा करके ना कुरान दे माहिर नू अल्लाह कहणगे अजे भी मैनू चा नहीं चढ़िया, अजे भी मैनू खुशी नहीं हुई, मैं समझना कुरान वालिया तेरा हक अदा नहीं होया। जिबरील नू भी थले रहण दे, इस तो भी उत्ते चढ़ जा, सुभान, इस तो भी बुलंद हो जा। ये भी मैं दसना, तवज्जो करे अज साढ़े ना, मैं एक वाक्य दसना होना, मौलाना अतीकुल्ला सलफी हाफिज़ाहुल्लाह तआला अल्लाह दे वली ने सत्याना बंगला मदरसे वाले, दुआ करो अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मौलाना साहब ना एक बंदा कोई ताजर से ब्रीफ केस पैसों का, पुरानी गल है, बड़ी आदि को लख रुपया होएगा या दो लख होए, ब्रीफ केस पैसों का ले आके पेश किया मदरसे वास्ते। मौलाना साहब हुण भी उंजी दरी विछी चटाई ते दफ्तरे च अल्लाह दा फकीर बैठा है, बहुत बड़ा इदारा चल रहा, उन्हें डॉक्टर राशिद रंधावा साहब फौत हो गए ने, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, डॉक्टर साहब जामे बड़ा तावन कर दे, मौलाना तीकुल्ला साहब नू पराडो दिती, पराडो पता क्यों दिती? मौलाना साहब अल्लाह ने तुहानू इन्ना मुकाम दे दिता है, बड़े बड़े शेखुल हदीस तुहाडे शागिर्द ने, ते तुसी सैकल ते मदरसे आउंदे हो, सैकल ते पराडो दिती। ते अगले दिन मौली साहब बस्ता सैकल दे अगे बन्निया ते फिर सैकल ते लगे आउंदे ने। मौलाना साहब एक ही गल है, कहन लगे पराडो ते कल ही मैं मदरसे नू वकफ कर दिती सी, मैनू सुकून ही नहीं आया। ताजर ने ब्रीफ केस पैसों का दिता, दफ्तर च उठ के बरामदे च निकलन लगा ना, तो एक तालिब इलम गुजरदा सी पिया बरामदे दे विचों, एक कुरान पढ़न वाला उहदा पैर उस मेहमान की जुत्ती दे उत्ते आ गया, तो जुत्ती खराब हो गई। वह कहिंदा अन्ना होया, तेनू नज़र नहीं आता जुत्ती पई है, वेख के नहीं तुर सक। उहनू गुस्से होण दे, मौली साहब फटाफट बाहर है, वह भाई जान की होया? आ वेखो जी बच्चा लंघन डिया, मेरी जुत्ती खराब कर गया, उत्ते पैर रख दिता है। मौलाना साहब ने ब्रीफ केस ना चुक के बाहर मारिया उस प्लाट के अंदर, कहन लगे चुक अपने पैसे तो निकलता हो, मैनू तेरे पैसे नहीं चाहिए, और तेनू तो शुक्र करना चाहिए सी जिदा पैर तेरी जुत्ती दे उत्ते आया ना, इन्हां दे पैर तो हमेशा फरिश्तियां दे परां ते आउंदे ने, तू शुक्र करदा इहदा पैर मेरी जुत्ती ते आया। ये मुकाम है कुरान वालियां दा, ए अजमत कुरान वाले दी। अजीजा ने गिरामी खाल के कायनात ने जदों एक किताब उतारी ना, हर किताब दा मुसन्निफ उस किताब दे इब्तिदा मुकदमे दे अंदर
पता की लिखता है, मैं बड़ी मेहनत की थी, मैं बड़ी कोशिश करके मुताला करके किताब लिखी, फिर भी इहदे अंदर कोई कमी कोताही होए ते वो मेरी तरफ होए, लिहाजा मेरी तवज्जो दिला दिती जाए, मेरी इसलाह कर दिती जाए, मेहनत मैं बड़ी कीती है फिर भी कोई कमी रह जाए इस किताब दे अंदर, तो मेरी गलती है, उहदी इसलाह कर दिती जाए। एक ऐसी किताब है जिन्हों लिखण वाला ते जिन्हों उतारण वाला इस किताब के शुरू के अंदर ही चैलेंज कर रहे हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन। फरमाया कायनात दे लोगो अलिफ लाम मीम ए जड़े हरूफे मुकत्तात ए भी कुरान दा एजाज है, ये भी कुरान का मौजूद है। जिन्होंने कहा ना नाउज़ बिल्ला ए मुहम्मद अपने को लिखद है, अपने को बना बना के कहें अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की वही है। फरमाया अलिफ लाम मीम, नबी पाक अली सलाम फरमाते ने एदा माना अरश वाले रब नू ही पता है, ये उन्होंने ही पता जिन्हें किताब उतारी, और जिथे भी हरूफे मुकत्तात आए अगे अल्लाह ने अपने कुरान का जिक्र किया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुरूफे मुकत्तात, जिथे भी कुरान पाक दे अंदर आए अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ताहा माना की है अल्लाह नु ही पता है, ताहा अगे की है मा अनजलना अलैकल कुरआन लितश्का, जिथे भी हरूफे मुकत्तात आए अगे कुरान की अजमत आई यासीन, हरूफे मुकत्तात ने ना एदा माना की अल्लाह ही जानदा है वल्लाहु आलमु बेमुरादे ही यासीन, ते अगे की है वल कुरआनिल हकीम यासीन वल कुरआन हकीम, हरूफे मुकत्तात तो बाद कुरान दी अजमत, ये भी कुरान दा एजाज है, किसे नु इन अरफां दे इन लफजां दे माना दा पता नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकीन वास्ते, तकवे वाले वास्ते, डरन वाले वास्ते कुरान हिदायत, कुछ लोगों वास्ते हिदायत और कुछ लोगों वास्ते पता जिना खसारा भी बन जाता है। मालिक कायनात ने फरमाया वनु नज़िलु मिनल कुरान वनु नज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल्लिल मुमिनीन वला يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا। कुरान शिफा भी है, कुरान रहमत भी है, और कुरान पाक मोमिना वास्ते रहमत है, रहमतुल्लिल मोमिनीन, और जड़े मुनाफिक ने जड़े काफिर ने जड़े जालिम ने वला यजीदु जालिमीन इल्ला खसारा, उन्हें जालिम वास्ते खसारा है, उन्हें जालिम वास्ते काटा है, उन्हें काफिर वास्ते काटा है, कुरान दी मार उन्हें काफिर दे उत्ते, कुरान दे बड़े बड़े सख्त आर्डर उन्हें काफिर वास्ते, कुरान पाक दे अंदर वईदा उन्हें काफिर वास्ते, बड़ा दो टोक ते बड़ा वाजे मौकफ काफिर जालिमा मुनाफका वास्ते, कुरान उन्हें वास्ते कोड़ा बन के बरसे आए, मोमिना वास्ते रहमत बन के उतरे आए। मैं कुरबान जावा खालिके कायनात दा कुरान, और जड़ा मुआशरा जिस मुआशरे के अंदर उतारे आ गया ऐसा अल्लाह दा बागी ऐसा अल्लाह दा ना फरमान मुआशरा गया गुजरिया मुआशरा और बदतरीन मुआशरा, खालिके कायनात ने खुद फरमाया व इन कानू मिन कबलो लफी जलाल मुबीन लफी जलाल, इत्थे भी ते गल समझ आ सकदी, बड़ा गुमराह मुआशरा जलाल, बड़ा गुमराह गुमराह मुआशरा, फरमाए इन्हां दी गुमराही
छोटी मोटी नहीं सी, लफी जलालिन, बहुत बड़ी गुमराई, बहुत बड़ी गुमराई इस मुआशरे का मुकद्दर बनी। तो जदों अल्लाह पाक ने इस मुआशरे की इसलाह वास्ते मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, पढ़ लो दरूदे पाक ना, इहदा फायदा एवे, दो फायदे ने इत्थे, एक फायदा एवे अल्लाह पाक दस रहमतां नाजिल करेगा, दस दर्जे बुलंद करेगा, दस गुनाह माफ़ करेगा। तो दूजा फायदा एवे नींदर उड़ जाएगी, क्यों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींदर की नीयत ना ना पढ़िया जी, अल्लाह दी रहमतां वास्ते दरूदे पाक कसरत नाल पढ़िया करो। जुम्मे दा दिन नबी पाक ने खुद मंगिया उम्मत को, क्यों जी जुम्मे वाले दिन अक्सरु अलैया सलावात, जुम्मे वाले दिन ते मेरे उत्ते रज के दरूद पढ़िया करो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआशरा बहुत बड़ी गुमराई दे अंदर, इस्लाह वास्ते मेरे महबूब करीम अलैहि सलाम नू कलिया, इस्लाह करनी है ते कादे नाल, क्यों जी पता जे ना जदों किसी बंदे दी जिम्मेदारी लाए, ऐ भाई ऐ तेरे जिम्मे काम है, ऐ टिब्बा है ये साफ कर दे, ऐ को दस्तकारी का काम है ऐ ठीक कर दे, आ होना कारीगर कर दे, ऐ कूलर ठीक कर दे, ऐ टूटियां ठीक कर दे, पलंबर आउंदा उहदे कोल अपने औजार ने, क्यों जी कोई कारीगर लोहे का काम करता उहदे कोल अपने औजार ने, हर काम करन वाले दे कोल मेहनत मजदूरी करन वाले दे कोल अपने औजार ने, किसी भी चीज़ की सलाह करन वाला उदे कोल हथियार उदे कोल औजार, जिन्हां चीज़ां दे नाल उस चीज़ नूं दुरुस्त किया जाएगा। हुण इधर तवज्जो करे आ जे, मैं कुरबान जावां, अल्लाह पाक ने मबूस कीता है मेरे महबूब पैगंबर नूं बदतरीन मुआशरे की सलाह वास्ते, फरमाया इस मुआशरे की सलाह कर अल्लाह जी का दे नाल, फरमाया कुरआन नाल, और ऐलान किया लकद मन्नल्लाहु लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअस फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। खालिके कायनात ने अपने महबूब पैगंबर नू मबूस कीता, ऐ मेरे हबीब इस गए गुजरे मुआशरे की सलाह करने वास्ते असा तुहानू मबूस कीता है, और लफ्ज़ केड़े ने, फरमाया असा मोमिना ते एहसान कीता है, बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह जी केड़ा, फरमाया इद बअसा फीहिम रसूला मिन अन्फुसिहिम, जदों इन्हां दीआं जानां दे विच्चों इन्हां वल असा अपना रसूल मबूस कीता है, अल्लाह जी कादे वास्ते, फरमाया बिगड़े बड़े ने विगड़े बड़े ने गए गुजरे और राहे रास तो हट गए, इन्हों इस इन्हों ठीक करने वास्ते इन्हों की सलाह करने वास्ते इन्हों का तजकिया करने वास्ते अपने महबूब न कलिया, अल्लाह कादे नाल तजकिया करेगा, फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, मेरी आयतां पढ़ पढ़ के सुनाएगा, अल्लाह तेरा महबूब कुरान दियाँ आयतां पढ़ेगा तो बनेगा कि, फरमाया वायु जकी कुरान पढ़ता जाएगा इन्हों का तज़किया करता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा इन्हों पाक करता जाएगा, यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम, कुरान दियां आयतां दी तिलावत करेगा इन्हों पाक करेगा, वयुज़क्कीहिम इन्हों का जाहिर भी पाक कर देगा कुरान नाल, इन्हों का बातिन भी पाक करेगा कुरान नाल, इन्हों की मईशत मुआशरत ते खलवत ते जलवत सफर ते हजर तिजारत ते इबादत इन्हों का एक एक कमल ते खुशियां ते गमियां इन्हों दियां रातां ते दिन पाक करेगा कुरान दे नाल, कुरान पढ़ता जाएगा दिलां दे जंग उतारदा जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा निगाहां पाक कर देवेगा, कुरान दियां आयतां दे नाल जुबाना पाक कर देवेगा, कुरान दियां आयतां दे नाल इन्हों का जाहिर ते बातिन ते रोजियां पाक कर देवेगा,
यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और इन्हां नू इलम सिखाएगा, किताब ते हिकमत सिखाएगा। व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। यो मुआशरा जड़ा मेरे महबूब दे आउण तो पहलो बहुत बड़ी गुमराई दे अंदर मुबतला है। रब्बे कायनात ने एहसान किया, अल्लाह ने करम किया, इन्हां दे भाग जगा दिते, इन्हां दे नसीब चमका दिते। जमाने दे बदतरीन लोग सन, अल्लाह कह रहे ने असा कमली वाले नू कुरान दे नाल कल के इन्हां नू ईमान वाला बना छड़िया है। लकद मन अल्लाह अलल एहसान किया मोमिना ते कीता उदों जदों अजे मोमिन ते ईमान दी डिग्री अता फरमा दीती पाक पैगंबर अली सलाम दी बेसत दे नाल। ते महबूब आए, इनकलाब आ गया। हजरत शेखुल कुरान दा तर्जमा फरमाना, मक्के चन्न चढ़िया जग लो होई, मक्के चन्न चढ़िया जग लो होई, काली कुफर दी रात मकौन आया, राओ पुलिया जांदिया राइयां नू, राओ पुलिया जांदिया राइयां नू, गली बाग बहिश्त वखौन आया, फसे होए गुनावां दी विच दल दल, बाँ फड़ मुशफिक बाँ फड़ मुशफिक बन्ने लौन आया, ओए मिन्नू देओ सानू देओ मुबारकां आन लोको, साडे सुते नसीब जगाउन आया। कौन आया? मेरे महबूब पैगंबर सर्वरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह दा नूर लेके आए, फरमाया लकद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह दी तरफों इस किताबे हकीम दी सूरत दे अंदर नूरे हिदायत तुहानू दे दिता गया है। महबूबे कायनात अली सलाम आए, पाक पैगंबर दा जिक्र भी इंज कीता है, लकद जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहिमा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुहाडे वल ये जिहड़ा रसूल आया है, बड़ा रऊफ पैगंबर, बड़ा रहीम पैगंबर, बड़ा रकीकुल कलब है, बड़ा नरम दिल है, बड़ियाँ मुहब्बतां ते प्यार तुहाडे वास्ते लैके आया, खैर खाइयां ते हमदर्दियाँ लैके आया। और इस आयत करीमा दा तर्जमा हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने करना, कौन आया? फरमाना हो वा हामिदुम व मुहम्मदुल सल्लल्लाहु। तुसी भी सुनाओ मुहब्बत दे नाल सल्लल्लाहु, ठंड पा दियो ते अल्लाह दियां रहमतां नाल झोलियां भर लवो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो वा हामिदुन व मुहम्मदुन हो वा माजिदुन व मुमज्जदुन हो वा मुर्शिदु हो वा अरशदु हो वा मुर्शिदु हो वा अरशदु हो वा अमजदु हो वा अहमदु हो वा अफसहु बेमुकाले ही। जड़ा बोल कमली वाला बोलता है इंज दा बोलते बोल ही कोई नहीं सकता। हो वा अफसहु बेमुकाले ही हो वा अकमलो बेनवाले ही हो वा आजमो बे जलाले ही ओवा अफकदो बेमिसाले ही ओवा अफकदो बेमिसाले ही। वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो खलील भी वो कलीम भी वो रऊफ भी वो रहीम भी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सुनो, वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो खलील भी वो कलीम भी वो रऊफ भी वो रहीम भी वो बशीर भी वो नज़ीर भी वो आप अपनी नज़ीर भी वो जमी पे शाह अमीर भी वो फलक पे अर्श मसीर भी। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, चेहरिया ते रौनक नजर आए तड़प जाओ मोहब्बत दे नाल। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें मर्तबा ये बड़ा मिला, उन्हें क्या दिया उन्हें क्या मिला, जो दिया दिया जो मिला मिला। सल्लू अलैहि व आलिही सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा ओ महबूब अता कीता है कुरान दे के, कुरान पाक नाल तोर के फरमाया महबूब कुरान सुना, कुरान सुनाना तेरा काम है। और ए जड़े तेरे सामने ने ना सुनिया हुण तक ते इन्हां दे दिल ने पत्थर तो ज़्यादा सख्त, तू कुरान दियां आयतां पढ़ के सुना वेख मैं इन्हां पत्थरां नूं मोम किवें करना। पाक पैगंबर कुरान पढ़ देने पे और अल्लाह दा कुरान ये भी मंजरनामा दस दे, फरमाया इन्हां दे दिल ते पत्थरां तो ज्यादा सख्त सन, पर पता जे की बनिया कुरान। वाइदा समिउ वाइदा आयो ना हो समिउ मा उन्ज़िला इला रसूल वाइदा समिउ, जदों कमली वाले दी जुबानी सुनिया कुरान। वाइदा समिउ मा उन्हें कुरान पत्थरां नूं मोम कर देंदा जे, कुरान पत्थरां नूं रेजे रेजे कर देंदा जे। पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया इकरा उल कुरान वबकू, जदों कुरान पढ़ते हो ते रोया करो रोया करो। फा इल्लम तबकू फता बाकू, जे रो नहीं सकते रोण वाला मुँह ते बना लिया करो, रोण वाली कैफियत बना लिया करो। कुरान इत रवा देंदा है, इत पत्थर दिलां नूं मोम कर देंदा है, इत पत्थर अखां नूं अथरूआं जनाब अथरू जारी कर देंदा है उन्हां दे विचों। वा इदा समिउ मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अय्युनहुम तफीज़ु मिनद्दमअ मिम्मा अरफू मिनल हक यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना माशाहिदीन। फरमाया जदों इन्हां दी कन्नी इन्हां दे कन्नां विच कुरान पिया अल्लाह दे महबूब दी जुबानी, ते मेरे पाक पैगंबर दुनिया नूं दस दे ओ कुरान पढ़ के मंजर की बनिया। जिन्हां दियां अखां भी पत्थर सन, जिन्हां दे दिल भी पत्थर सन, कदी रोना ही नहीं आया जदों कुरान कन्नी पिया ना। फरमाया अखां डुल पईआं अखां बह पईआं तारा आयो ना हुम तफीज़ु मिनद्दमअ मिम्मा अरफू मिनल हक, कुरान सुनिया ते हक दी पहचान हो गई, अखां ही डुल पईआं अथरू जारी हो गए। और कहन लगे रब्बना आमन्ना, ए अल्लाह सी ईमान ले आए, फक्तुबना मा शाहिदी, अल्लाह सानू भी कुरान दे गवाहां विच लिख लै, असी गवाही देने आ। कुरान किताबे इनकलाबे, और किते मेरा मालिक दसदा है अल्लाह नज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह नज़ला अहसनल हदीस किताबं मुतशाबिहं मसानी तक्षायिरो, ए मकनातीसी कशच रखता है तक्षायिरो मिन ओ जुलूदुल्लदीना यख्शौन रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। जदों कुरान कमली वाले महबूब ने पढ़िया फरमाया सुनन वाले दियां जिल्दां ते इन्हां दे जिस्मां ते दिलां नूं खिच्चाई पै गईयां अल्लाह दे जिक्र वल, खिच्चे चले आए। कुरान एक कशिश रखदा है, कुरान एक मकनातीसीयत रखदा है, कुरान एक जाज़बीयत रखदा है, कुरान किताबे इनकलाब, कुरान किताबे हिदायत है। और सुनियो कुरान जामे ने तरक्की दा, कुरान जामे ने भुखे
भुखा मुकाण दा कुरान जामे ने, दुखियो दुख मुकाण दा कुरान जामे ने, ओए बे औलादो औलादा पाण दा कुरान जामे ने, ओए बेरोजगारो रोजियां दे फाटक खुलवाण दा कुरान जामे ने, कुरान तरक्की दा जामिन, कुरान उरूज दा जामिन, कुरान गरंटीड है हिदायत दा, कुरान गरंटीड है बरकत दा, कुरान गरंटीड है नुजूले रहमत दा। और दावा करन लगे हैं, दावा जेड़े घरां च अज भी अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां मामूल नाल हुंदियां ने ना, रूटीन नाल सुबह शाम मामूल दे नाल उन्हां घरां वाले अल्लाह दी कसम मिंबर ते खलो के जुमे दी कड़ी है दावा करन लगे हैं, जिन्हां घरां च मामूल नाल सारे जी छोटे बड़े कुरान पढ़दे ने ना, उन्हां घरां वाले अज भी रब दियां रहमतां उतरदियां अपनियां अखां नाल वेखदे ने। मेरा दावा नहीं, दलील है सही बुखारी दे विचों, सही बुखारी मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे सहाबी हजरत सैयदना उसैद बिन हुज़ैर कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अल्लाह दे हबीब राती ने मैं कुरान पाक पढ़दा सा पिया, कुरान की तिलावत कर रहा सा, ते मेरे नाल ना मेरा बच्चा सुता सी ते परां घोड़ा बजा सी, ते मैं कुरान पढ़दा ते घोड़ा ना उछलन लग पिया, बिदकन लग पिया, मैनू खतरा पै गया कि मेरे बच्चे ते ना चढ़ जाए, क्यों जी खुरी मार दी पैर चढ़ाता बच्चे नु नुकसान हो जाएगा, मैं कुरान दी तिलावत रोक दी, ते घोड़ा भी बड़े आराम नाल खलो गया, यार रसूल अल्लाह मैं फिर तिलावत शुरू की थी, घोड़ा फिर उंजी बुड़कन लग पिया बिदकन लग पिया, मैनू बच्चे का डर पै गया कि नुकसान ना पहुँचाए, मैं तिलावत रोक दी, घोड़ा फिर रुक गया, अल्लाह दे हबीब मैं तीसरी मरतबा तिलावत शुरू की थी, ये मंजर मैं तिलावत रोकी घोड़ा भी रोक गया, मेरी निगाह घर दे सेन विच पई ते बादल दा एक टुकड़ा छोटा जिहा बदल दा टुकड़ा ते उहदे विच निक्कियां निक्कियां रोशनियां ते लाइटां मेरे घर दे सेन विच सन, सारा घर रोशन सारा सेन रोशन, जदों मैं तिलावत रोकी ना ते ओह बदली दा टुकड़ा आसमाना वल वापस जाण लग पिया, हत्ता कि मेरियां निगाहां तो ओझल हो गया, अल्लाह दे रसूल रात दा मामला है, मैं बड़ा हैरान हाँ ते परेशान भी हाँ की बने, मेरी सरकार मुस्कुरा के फरमाते ने यब ना हुज़ैर, ओए उसैद बिन हुज़ैर ओ जिहड़ियां लाइटां ते रोशनियां तैनू नज़र आईयां ने ना, रोशनियां नहीं सन तिलकल मलाइका, तिलकल मलाइका दनदली सऊदिका, उसैद वो जिहड़ियां रोशनियां सन ना, वो रोशनियां नहीं रब दी रहमत दे फरिश्ते सन, जिहड़े तेरे घर दे अंदर कुरान दियां तिलावतां दी वजह तो उतर चुके सन, नाजिल हो चुके सन। और अगली गल सुनो, वलौ करअता लअसबहता, अगर तू कुरान दी तिलावत सुबह तक जारी रखदा, सुबह तक तिलावत करता रहिंदा, फरिश्ते तिलावत कुरान सुनने विच मगन रहिंदे, फरिश्ते गायब ही ना होंदे, फरिश्ते वापस ही ना जांदे, हत्ता यंजुरुन नास इलैहा ला ततवारा मिनहुम, सारे महल्ले दे सारी बस्ती दे लोकी आके ना तेरे घर विच उतरे होए फरिश्तियां दा अपनियां अखां नाल दीदार कर लैंदे, लोग फरिश्तियां दी ज़ियारत करदे, ला ततवारा मिनहुम कोई पर्दा कोई रुकावट विच ना आउंदी, अपनियां अखां नाल रहमत दे फरिश्तियां दा दीदार कर दे, ये फरिश्ते उतरे ने बोलो कादी वजह तो, सारे बोलो कादी वजह तो। और मैं ना अक्सर एक गल कहना हुंना, लोग कहणगे जी कर साहब बड़ियां परेशानियां ते बच्चे ना फरमान हो गए, औलाद ना फरमान, बीमारियां दुख मुसीबत अजमैशां, हुण ते कारोबार भी पिछा नूं डाउन ते हर पासों परेशानी, ते लगदा बई किसी ने कुछ तुहाडे ते भी कोई दम ते नहीं हो गया, लगदा किसी ने कुछ पता जे ना लोकी किसी ने कुछ कर दिता, क्यों जी की कर दिता बई कर सब लगदा बई किसी ने कोई तवीज पा दिते कोई काला जादू कर दिता, क्यों जी मैं ते काला ही सुने, किसी होर रंग का भी होंगे काला जादू कर दिता, या वो ना कोई शक पा दे ना, खैर ना अजकल दे पीर ते वली भी ते तुहानू पता है ना माशाला बड़े बड़े कमर्शियल वली आ रहे, कमर्शियल पीर आ रहे, पीर बड़े बड़े पहुँचे ने, तो जाके आंदा
वो कुरान की आयत ही सुना दो और तुसी खत्मे नबूवत का नारा मार दो को खत्मे नबूवत वाली आयत ही सुना दो। बड़ा पहुंचिया वली ते बड़ा पहुंचिया साहबे करामत पीर पर कुरान की एक आयत भी। उन्हें क्या करामत की? उन्हें क्या मैं अखा चो जंजीरियां कट देना? उन्हें क्या मैं संगल कट देना? आलो मैं भी कट देना। एक केड़ी करामत है? शोभदाबाजियां चालबाजियां कुरान तो दूरियां ने। असल च कौम दियां कुरान तो दूरियां ने ता ही तो दम करान ते शिफा वास्ते एहो जे जाहिलां दे कोल जाना पैंदा है। हकीम घर विच हकीम घर विच ते नीम हकीम नहीं। अल्लाह कहिंदे ने इहदा हर नुस्खा मुजर्रब है। इस हकीम दा हर नुस्खा मुजर्रब हकीम दा हर नुस्खा पूरा कारगर है। अजमात अजमूदा है अजमूदा नुस्खे हकीम घर विच ते सारा टब्बर बीमार है। इहदा मतलब है या ते हकीम नाल राबता ही नहीं कीता या हकीम दे दसे नुस्खियां ते अमल। राबता ते है हकीम नू चुमदे बड़ा ने हकीम नू बड़े सोहने गुलाब पा के हकीम नू बड़ी उच्ची वादी दे अंदर रखे है बड़ी उच्ची जनाब अलमारी दे उतले खाने विच हकीम दी इज्जत बड़ी एहतराम बड़ा पर हकीम दे आखे हकीम ओवे जिनू अल्लाह कह रहे ने मुजर्रब हर नुस्खा कामयाब दिलां दी शिफा रूहां दी गजा बीमारां लई शिफा मरीजां लई दवा मिशाले राह दस्तूरे हयात मंसूरे जिंदगी तरक्की उरूज बरकत रिस्क इज्जत हर चीज दा जामिन घर विच मौजूद है ये फिर भी दर दर धक्के खांदा है पिया। कुरान दी बेअदबी कुरान दी तोहीन है। ओ स्कूल एक एक्सपेरिमेंट किया ना किसी ने वीडियो बनाई उन्होंने स्कूल के बच्चों ने क्या बेटा हमने स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाई है लाइब्रेरी तो आप ऐसा करें आपके घर में जो किताब फालतू पढ़ी है जो किताब इजाफी पढ़ी है जिसको कोई पढ़ने वाला नहीं उसको जाया करने की बजाय स्कूल की लाइब्रेरी में जमा करवा दे। उन्होंने कहा ठीक है सर जी हम कल किताबें लेके आएंगे। अगले दिन उन्होंने पूछा बेटा मैंने आपसे कल कहा था कि घर की फालतू किताबें जो हैं वो स्कूल की लाइब्रेरी के लिए लेके आए लेके आए। जी सर यस सर। एक बच्चे ने बैग खोलिया उन्हें कहा लो सर जी ए किताब साढ़े घर च वादू पई है। उस टीचर ने खोल के वेख्या तो रब दा कुरान अल्लाह दा कुरान पे है। बच्चा कहने लगा सर जी ये किताब हमारे घर में फालतू पड़ी है इसको कोई पढ़ने वाला नहीं। रोंद बीमारियां नू रोंद जादू हो गया टूणा हो गया पर दूजे बच्चे का बैग खोलिया उदे विच्चों भी कुरान निकलिया तीजे बच्चे दे कोलों भी कुरान ने। सर जी ये किताब साढ़े घर च पई है किन्ना चेर हो गया इनू को पुछण वाला ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयद ईस है जिस घर के अंदर कुरान पाक का नुस्खा पिया होए और उसकी तिलावत कोई ना करे उस घर के अंदर वो कुरान गरीब है। गरीब अरबी च कहते हैं अजनबी नू परदेसी नू कुरान पिया घर के अंदर उच्ची जगह ते ते वो सारे जियां वल वेंदा पिया पता जे ना इनू कल क्यामत नू रब ने वजूद अता करना है जिसम एक खूबसूरत नौजवान इंसान बन के आएगा अखां कन्न नक जुबान पूरा वजूद अल्लाह इनू अता करेगा। कईयां दी शिकायत करेगा ते कईयां दी सिफारिश करेगा। एक कुरान पिया घर दे अंदर नबी पाक अली सलाम ने फरमाया कोई पढ़दा ही नहीं कुरान भी वेंदा है सारे एक दूजे नू मिलदे भी ने एक दूजे नाल गल्लां बातां भी करदे ने गपशप भी करदे ने एक दूजे दा हाल चाल भी पुछदे ने। मैं ही एडा माड़ा मैनू कदी कोई मिलिया ही नहीं मेरे नाल कदी कोई बोलिया ही नहीं मेरे नाल किसे दी कलाम ही नहीं। उस घर दे अंदर वो कुरान अजनबी ते शिकायत नहीं करेगा अल्लाह दे पैगंबर खड़े हो जाएंगे। वकाल रसूल या रब इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। नबी पाक खड़े होंगे मैदान माशर के अंदर कुरान दसदा है पिया नबी पाक कहेंगे अल्लाह फड़ इन या अल्लाह इन फड़ इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा अल्लाह इसको पकड़ो इसने कुरान को छोड़ दिया था। ए लफ्ज ने कुरान इन कौम इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा अल्लाह इन्हें भी फड़ अल्लाह उन्हें भी फड़ अल्लाह उन्हें भी फड़ इन्हें कुरान छड़ दिता। और जेड़ा कुरान वाले
जड़ा कुरान नू सीने लगान वाला है मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा कबर दे विचों निकलेगा कल्ला होएगा कल्ला इत्थे ते सारे नाल ने ना फरमाया जिहड़ा कुरान नाल यारियां लांदा है कुरान इत्थे भी अपने यारां दी कंड नहीं लगन देंदा कुरान अपने यारां नू डिगण नहीं देंदा गल सुनियो कबर च किसी ने नाल नहीं जाना फरमाया कुरान एडा गूढ़ा ते पक्का यार है कबर विच भी अपने यार नू कल्या नहीं जे छड़दा कहो सुभान अल्लाह कुरान दा नूर कबर विच भी नाल जाएगा और फरमाया कल अशर दा मैदान होएगा वा इदल कुबूर बुशिरत कबरां खुलणगियां बंदे कबरां चो निकलणगे बंदा कल्ला फरमाया सारे ही नाल नाल होणगे अज रब्बा जी दी कबर है अम्मा जी दी कबर है दादा जी नाना जी आ कबरां रिश्तेदारां दियां धीआं पुत्तरां दियां भैणां भरावां दियां कबरां सारे कबरां च खलोते फरमाया हुण कोशिश ते होएगी ना इकट्ठे हो जाइए पर नहीं ये महशर है ये क़यामत है यौम यफिरु अल-मरअ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि अल्लाह ने एक एक रिश्ता गिन के दसिया हर कोई मुँह मुड़ जाएगा हर कोई एराज करेगा हर कोई अपनी अपनी सब निक नूं पहिए कोई काम नहीं आएगा फरमाया दो बड़े खूबसूरत नौजवान आ जाएंगे खूबसूरत नौजवान अरबी लिबासा दे अंदर मलबूस दोवें आके ना फरमाया एक सज्जे बाजू तो फड़ लेगा दूजा खब्बे बाजू तो फड़ेगा दोवें कहणगे आ यार फिर चलिए जन्नत सुभान अल्लाह जाना जन्नत की प्रोग्राम है सुभान अल्लाह आ चलिए जन्नत एक कहेगा जन्नत ते जाने पर यार मैं तुहानू पहचानिया नहीं पता क्यों कहिंदा पिया एडे मेरे किड़े सके ने माँ बाप ने मुँह मोड़ लिया या फिर उल मर उ मिन अखी व उम ही व अभी व साहिबत ही व बनी तिया पुत्र भैणा भरा यार मेरी दोस्त कोई कम नहीं आया सारिया ने मुँह मोड़ लिया तुसी कौन जिन्होंने मेरी जन्नत का एडा फिकर मैं पहचानिया नहीं नबी पाक अली सलाम ने फरमाया सही बुखारी के अंदर हदीस फरमाया दोवें कहणगे कमाल कर यारियां ला के भुल गए नबी पाक अली सलाम ने फरमाया एक कवेगा मैं माहे रमजान दूजा नौजवान कवेगा मैं रब दा कुरान फरमाया दोवें कहणगे आ चलिए जन्नत अस्याम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल कियामा रोजा ते कुरान दोवें क्यामत दे दिन फरमाया अल्लाह दी अदालत दे अंदर अपने यार दी सिफारिश करनगे और एक हदीस के अंदर लफ्ज ने यशफान दूसरी रिवायत ने यखसिमान अल्लाह की अदालत चे झगड़नगे बहस करनगे तकरार करनगे जिवें कोई बड़ा तगड़ा वकील अपने मुवक्कल दे बारे बहसा करके दलीलां दे के ना उन्हूं बरी करवांदा है फरमाया अल्लाह की अदालत चे बहस तकरार करके रमजान ते कुरान दोवें अपने यार नूं लड़ झगड़ के खिच के जन्नत विच नाल लै के जाण और जो खूबसूरत शक्ल दे अंदर आएगा कुरान पाक अल्लाह की अदालत दे अंदर खड़ा होके अल्लाह दे नाल बहस कर रहा होएगा अल्लाह पाक दे नाल गुफ्तगू अपने यार दी वकालत हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्ला ने इस हदीसे पाक दा तर्जमा कीता आंदे ने सईयो नी वेखो एक सोना जवान नी सईयो नी वेखो एक सोना जवान नी हस हस गल्ला करदा नाल रहमान नी नाले पिया दसदा अपना पता निशान नी कन ला के सुनिए नी ए केड़ा माईया ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया बुजुर्ग फरमान दिन हदीसे पाक दा तर्जमा एक खलोता है अल्लाह की अदालत च आखदा है रब ताई ए पाक रहमान जी आखदा है रब ताई ए पाक रहमान जी तेरी मैं चिट्ठी मेरा नाम कुरान जी तेरी मैं चिट्ठी मेरा नाम कुरान जी कलिया सी आप हाथ चिट्ठी रसान जी तरफ मुहम्मद ए जिबरील पहुँचाइया ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया मैं हाजर दरबार होया
मैं हाजर दरबार होया अरज सुनाउण नू करके सिफारिश अपने यार बख्शाउण नू। अल्लाह कुरान दी सिफारिश नसीब फरमा दे। मैं हाजर दरबार होया अरज सुनाउण नू करके सिफारिश अपने सज्जन बख्शाउण नू। जिन्ना भुलाया नींद जिन्ना भुलाया नींद सुख दी सौण नू उमर तमाम मेरे नाल लंघाईया। अल्लाह इन्हां नू बख्श दे। कुरान सिफारिशां करदा है पिया, एडा गूढ़ा यार। बुजुर्गों ने प्रमाण कुरान दी यारी, कुरान ते शेखुल कुरान दा प्यार ते ताल्लुक, 65 साल यारी दा नचोड़ जिहड़ा बुजुर्गों ने अपनी तकरीरां च बयान कीता ना, 65 साल ताल्लुक दा नचोड़, वो पता की है? फरमाना कुरान दी यारी दा नतीजा है जे कुरान भुख भी मुका देंदा है ते कुरान दुख भी मुका देंदा है। कुरान भुख भी मुका देंदा भुखिया उरा परा। लोकी ओवर टाइम लांदे ने, साइड बिजनेस, दूसरी जॉब, ओवर टाइम। जे तेरी अपनी मेहनत मजदूरी और एक माकूल जी मेहनत ते पूरी नहीं ना पैंदी, ओवर टाइम लाण दी लोड़ नहीं, साइड बिजनेस करन दी लोड़ नहीं, ओ टाइम जड़ा अगले कारोबार ते लाना है ओदे नालों भी अद्धा वक्त सिर्फ रब दे कुरान नू दे दे। जड़ी मेहनत मजदूरी रूटीन दी कर दे ओ पए, अल्लाह ओदे विच ही इन्नियां बरकतां पा देगा कि संभालियां ही नहीं जाणगियां। इज़ामे ने बरकत दा, इज़ामे ने रहमत दा, तरक्की दा, उरूज दा। और जो बुजुर्गों ने तारीफ करवाना अल्लाह दा मुहब्बत नामा, आखिरी गल दिल लगा के सुने। अज किसी यार दा मैसेज आए ना, बड़ी मुहब्बत नाल सुने। किसी जमाने च उन्हें कहा जाता सी क्यों जी, तार पत्थर, पत्थर तार ते चिट्ठी, फिर आ गया खत, फिर लैटर, हुण मैसेज। मैसेज लव लैटर ए कुरान जड़ा ना, कुरान लव लैटर नूं असीं अपनी उर्दू च कहने मुहब्बत नामा। ये अल्लाह वल बंदियां दा मुहब्बत नामा है, यानी कि रब दा अपने बंदियां वल लव लैटर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह दा मुहब्बत नामा। और इहदा तार बुजुर्गां ने करवाना, ये चिट्ठी आसमानी, ये चिट्ठी आसमानी यानी चिट्ठी लैटर, ये चिट्ठी आसमानी जिसका नाम कुरान है, कलन वाला एदा रब रहमान है, हथ जिबरील जेड़ा चिट्ठी रसान है, लोहे महफूज विचों कली इलाईया, ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। और पैगाम की अज दी गुफ्तगू दा, खोल के कन सुन ले मेरे आवीरा ओए, खोल के कन सुन ले मेरी ये पैना नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नी, इस जहान उत्ते बैठ नहीं रहना नी, आज कल मौत तेरे सिर उत्ते आईया, ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। अल्लाह कुरान पाक नाल पक्का नाता जोड़न की तौफीक अता फरमा। एक आयते करीमा सुनो, जड़े जुड़ गए अल्लाह ने किवें चमकाए, फरमाया दुनिया दिया निगाहां च मेरा महबूब अनपढ़ है ना, लोग उम्मी कहिंदे ने, दुनिया की डिग्री कोई नहीं कमली वाले को, किसे दुनिया के मदरसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का फाजिल नहीं, लोग उम्मी कहिंदे ने, पर मैं कुरान दे के कमली वाले नू कायनात का उस्ताद बना दिता है, मुअल्लिम इंसानियत बना दिते इस कुरान दे नाल, ते जड़े आखे लगे इस उस्ताद दे, जड़े शागिर्द बन गए कमली वाले दे। फरमाया अल्लदीन यत्तबिउनर रसूलन नबियल उम्मी, नबियल उम्मी अल्लदी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يدع عنهم اسرهم। اس قران دے نال کائنات دا معلم بن کے حلال کی سونا دسدا اے پیا، حرام کی کملی والا دسدا اے پیا،
फायदा कादे वेच नुकसान कादे वेच और इतना बड़ा खैर खाते हमदर्द वयदाउअन्हुम इसराहुम इन्हां दे भार भी वंडांदा पिया उम्मत दे बोझ भी उठांदा पिया वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लदीन आमनू बिही वअज़्ज़रूहु जिहड़े ईमान ले आए इस पैगंबर ते इस किताब ते फल्लदीन आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून फरमाया कामयाब हो गए वो कामरान हो गए जिन्होंने इस किताब ते ईमान लिया उन ज़िला मा जड़ी कमली वाले दे नाल उतरी उहदे उत्ते ईमान लिया है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वो कामयाब हो गए वो कामरान हो गए कुरान वाले अल्लाह सारियां नू कुरान वाला बना दे और परेशान आलो अपनिया परेशानियां दी गिले ना करिया करो कुराने पाक नू सही माने दे अंदर अपना लो अल्लाह जिंदगी चो दुख मुका छड़ेगा कुरान ओढ़ना बिछोना बन जाए और दुआ दुआ आखर ते हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दी फरमाना अल्लाह इंज दा साथ ते यारी कुरान दी देवी फरमाना मैं पढ़दा रवां कुरान अल्लाह आमीन ते कह छड़ो पता जे ना जुमे दी कड़ी है नबी पाक अली सलाम ने फरमाया दुआ दी कबूलियत दा वक्त है मैं पढ़दा रवां कुरान अल्लाह तेरे जिक्र च रतबुल लिसान अल्लाह मेरी पढ़दे आई निकले कह लवो कम बन जाएगा इंशाल्लाह साडी ही पढ़दे आई निकले जान अल्लाह मिले पाक नबी दा बेड़ा है मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते इको फेराए इथों नज़र बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है अल्लाह इस कुरान दी बरकत दे नाल और इस कुरान दी यारी दे नाल अल्लाह अगलियाँ मंजिलां भी आसान फरमा दे वाकूल कौली हाजा واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين